दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, Xiaomi की Redmi Note सीरीज इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। रिसेंटली में इंडिया के अंदर Redmi Note 9 सीरीज लॉन्च हुई थी। बेसिकली दोस्तों, Xiaomi हर साल इंडिया के अंदर Redmi Note सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन को लॉन्च करता है। इससे पहले मार्च 2019 में Redmi Note 7 Pro लॉन्च हुआ था, फिर सितंबर 2019 में Redmi Note 8 Pro लॉन्च हुआ था, फिर इसके बाद मार्च 2020 में Redmi Note 9 सीरीज लॉन्च हुई थी। इससे दोस्तों ये कन्फर्म हो जाता है कि Redmi Note 10 सीरीज इंडिया के अंदर सितंबर के मंथ में लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, Redmi Note 9 सीरीज को लेकर आपकी जितनी भी उम्मीदें थी, वे सारी Redmi Note 10 सीरीज से कम्प्लीट होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में, इसकी कन्फर्मड स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमुलेट पैनल देखने को मिलेगा, जो कि फुल व्यू डिस्प्ले पैनल होगा, जिसके अंदर आपको 120Hz का रेप्रेस रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और इसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इसमें आपको बैक एंड फ्रंट दोनों साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का पावरफुल चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि दोस्तों 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। और बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसके अंदर आपको मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट, जो कि MIUI 12 पर बेस्ड होगा। और इसके अंदर आपको NFC का सपोर्ट भी मिलने वाला है। और दोस्तों, इसके अंदर आपको LPDDR4X RAM का सपोर्ट भी मिल सकता है। और अब बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो यहाँ पर ये कन्फर्म है कि इसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है। और इसी के साथ आपको 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, 16 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। वहीं पर फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए 44 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 55 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इन द बॉक्स आपको 55 वाट का सुपर फास्ट चार्जर भी मिल सकता है। और इसके अंदर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक एंड टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इसका बेस ब्रांड अराउंड 15 से 20 हज़ार रुपये की प्राइस में लॉन्च होगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर सितंबर के मंथ में लॉन्च होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।